हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेरेंटिंग विद डॉक्टर कृति। कई बच्चे रोते रोते सांस रोक लेते हैं। ये माँ बाप के लिए बहुत ही डरावना अनुभव होता है। इसे ब्रेथ होल्डिंग स्पेल्स कहते हैं, और इसके बारे में और जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ है पीडियाट्रिशियन डॉक्टर मयूरी दोषी, सुविधा नर्सिंग होम आनंद से। आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। जैसे डॉक्टर कृति ने बताया, आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं जो नुकसानकारक नहीं है, लेकिन बहुत डरावनी है। उसमें क्या होता है कि बच्चे को कोई ट्रिगर्स या कोई ऐसे होता है कि गुस्सा आता है, या कोई डिमांड पूरी नहीं होती है, या चौंक जाता है, या किसी दर्द से गुजरता है, तो वो एकदम से सांस रोक लेता है। और उसके बाद वो नीला रंग का पड़ जाता है, और फिर कभी कभी उससे दौरे भी पड़ जाते हैं। ये बीमारी हम 6 महीने से 3 साल के बच्चों में देखने मिलती है, और 35% जो लोग होते हैं उसमें फैमिली हिस्ट्री भी होती है ऐसी बीमारी की। तो आज हम जो बात करते हैं वो ब्रेथ होल्डिंग स्पेल्स की होती है, जब बच्चा सांस रोक लेने से वो नीला या फीका पड़ जाता है, और उसके बाद वो अनकॉन्शियस भी हो जाता है, और कभी दौरे। ओके, तो इसके कोई अलग अलग टाइप्स होते हैं ब्रेथ होल्डिंग स्पेल्स के? हाँ, इसके दो टाइप होते हैं। एक टाइप होता है जिसमें बच्चा नीला पड़ जाता है, और उसमें जो ब्रीदिंग पैटर्न है और जो ब्रेथ होल्ड होता है उससे जो ब्रेन को ऑक्सीजन है वो कम मिलता है। दूसरी बात जो होती है उसमें बच्चा फीका पड़ जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें भी ब्रेन को तो ऑक्सीजन कम मिलता है, लेकिन कॉज अलग होता है। हार्ट रेट है वो कम हो जाता है, और वो कम हार्ट रेट की वजह से ये होता है। ये जो फीका पड़ने वाला जो होता है जिसमें बच्चा पेल हो जाता है, उसमें ज्यादातर कोई इंजरी या शॉक या तो कोई ज्यादा डरावनी वाली चीजें होती है उससे ये होता है। और जो नीला पड़ने वाला और जो जिसको हम साइनोटिक टाइप बोलते हैं, उसमें क्या होता है कि बच्चे की कोई डिमांड पूरी नहीं होती है, ज्यादातर गुस्सा या चौंकना ऐसा होता है, इसमें ये होता है। जैसे आपने बताया पहले कि ये नुकसानकारक नहीं होता ज्यादातर, पर जब ये होता है तो पेरेंट्स के लिए बहुत ही डरावना होता है, तो इसे कैसे मैनेज करना है? सबसे पहली बात है कि पेरेंट्स को रीअश्योर करें कि ये नुकसान करने वाला नहीं ही है, और जैसे बच्चा बड़ा होता है ये चले जाने वाला है, और ये 1 मिनट से भी कम चलता है। तो वो पेरेंट्स का रीअश्योरेंस है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात ये है कि जब ये होता है तो बच्चे को साइड पे लिटा देना है, उसको हाथ में नहीं रखने का है, उसको उठा नहीं लेना है, उसको सुला देना है और साइड में रखने है। इससे ब्रेन का जो ऑक्सीजनेशन है वो बेटर होता है, तो बच्चा जल्दी से वो नॉर्मल कंडीशन में आ सकता है। तीसरी बात ये है कि कई कई बच्चे हैं उसके मुंह पर हम एयर है वो फोर्सफुली ब्लो करते हैं तो अटैक टर्मिनेट हो जाता है, लेकिन सभी बच्चे में ये काम नहीं करता है, लेकिन हम जरूर ट्राई कर सकते हैं। और ज्यादातर ये आयरन डेफिशिएंसी या लोह तत्व की जो कमी होती है उस बच्चों में ये होता है। तो बच्चे को अगर हमने हीमोग्लोबिन चेक नहीं भी किया हो तो भी हम 3 महीने तक ये बच्चे को 5 मिलीग्राम पर kg पर डे एलिमेंटल आयन जो होता है वैसा सिरप या कोई टेबलेट बच्चे को दे सकते हैं। 3 महीने में काफी बच्चों में ये मालूम पड़ा है कि इससे जो ये अटैक्स होते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। जो बच्चे हैं जिसमें बहुत बार ये रैप होता है तो ये न्यू कंसेप्ट में पिरासिटाम ड्रग है वो ट्राई कर सकते हैं,
और पहले मानते थे कि बच्चे ये इंटेंशनली करते हैं, लेकिन ऐसा अभी नहीं माना जा रहा है। ये इनवॉलंटरी होता है, और कुछ पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम है उसमें कुछ प्रॉब्लम होता है, और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसका माइलिनेशन ठीक हो जाता है और बच्चा ठीक हो जाता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर मयूरी, हमें इतनी जरूरी जानकारी देने के लिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।